सब्सक्राइब कीजिए स्टार एंड प्रोटेक्ट चैनल को और बेल आइकन को दबाए लेटेस्ट वीडियो अपडेट पाने के लिए। हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिजीत और आप देख रहे हैं स्टार एंड प्रोटेक्ट सीएनसी। दोस्तों, चैप्टर नंबर 19 से हमने जी कोड स्टार्ट किया है। चैप्टर नंबर 19 में हमने G00 बारे में सीखा, चैप्टर नंबर 20 में हमने G01 के बारे में सीखा, चैप्टर नंबर 21 में हमने G02 और G03 के बारे में सीखा। आज के इस चैप्टर में हम G04 के बारे में सीखने वाले। G04 है ड्वेल टाइम। ड्वेल टाइम का मतलब रहता है कि टूल को एक ही पोजीशन में कुछ समय के लिए आपको रोकना है, यानी कि उसको स्टैंड बाय में रखना है कुछ समय के लिए। तो उसके लिए जो आप टाइम देने वाले उसे ड्वेल टाइम कहते हैं। G04 का इस्तेमाल करने के लिए आपके पास फानुक में एक्स और पी लेटर है, और सीमेस में जाएंगे तो एफ और एस है, ठीक है। फानुक में अगर आप टाइम देना चाहते हो टूल को स्टैंड बाय पे रखने के लिए, रोकने के लिए, तो आप एक्स का इस्तेमाल कर सकते हो, पी का कर सकते हो। समझ लो मैंने एग्जांपल के तौर पे दे दिया G04X 3.0, यानी कि 3 सेकंड। तो टूल क्या करेगा, टूल 3 सेकंड के लिए एक ही जगह पे रुक जाएगा। पी यानी कि माइक्रो सेकंड में है, तो आपको यहाँ पे 3 सेकंड रोकना है तो 3000 देना पड़ेगा। तो टूल क्या करेगा, वहां पे 3 सेकंड रुक जाएगा। एक ध्यान में रख लीजिए कि 1 सेकंड इज इक्वल टू 1000 माइक्रो सेकंड, यानी कि पी के सामने आप माइक्रो सेकंड में टाइम दे सकते हो, एक्स के सामने आप सेकंड में टाइम दे सकते हो। वैसे ही सीमेंस में जाओगे तो एफ के सामने आप सेकंड में टाइम दे सकते हो। समझ लो मैंने एफ 5.0 डाल दिया वहां पे, तो टूल क्या करेगा, 5 सेकंड के लिए एक जगह पे रुक जाएगा। और एस जो है वो स्पिंडल के राउंड में, समझ लो मैंने एस 50 डाल दिया, तो यहाँ पे 50 राउंड काउंट हो गए। स्पिंडल के जो राउंड रहते हैं वो काउंट किए जाएंगे। 50 राउंड होने तक टूल क्या करेगा, एक ही जगह पे रुक जाएगा। इस तरीके से आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो G04 का। अभी मैं इसका एक एग्जांपल दे देता हूं आपको, तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। समझ लो ये हमारा जॉब है, ओके। और ये जॉब को हमें क्या करना है, इस तरीके से यहाँ पे होल करना है। ये हमारा जॉब है और यहाँ पे सॉलिड है ये, इसको हमें इस तरीके से होल बनाना है। तो आप क्या करोगे, इसके लिए एक ड्रिल का इस्तेमाल करोगे, ड्रिल का इस्तेमाल करोगे। तो ये जो ड्रिल जब आपकी जॉब में इंटर करेगा, तब क्या होता है कि यहां तक ड्रिल आएगा, तब आपका जो स्क्रैप है वो बाहर निकल सकता है यहां से। लेकिन यही ड्रिल जब यहां तक पहुंच जाएगा, इस जगह पे, इस तरीके से, इस तरीके से यही ड्रिल जब जॉब के इतने अंदर चला जाएगा, तो प्रॉब्लम क्या होता है कि यहां से जो स्क्रैप कटिंग होता है, ये हमारा सॉलिड है, ये निकल रहा है अभी, तो यहां से जो स्क्रैप निकलेगा वो स्क्रैप क्या होता है कि बाहर निकलता नहीं है। वो स्क्रैप बाहर निकालने के लिए आपको कुछ समय चाहिए। तो आप क्या करते हो, प्रोग्राम इस तरीके से बनाते हो कि टूल क्या करेगा, अंदर जाएगा, एक 10 mm मशीनिंग करेगा, बाहर आएगा और थोड़े समय के लिए रुकेगा। मैं आपको वो प्रोग्राम यहाँ पे अभी दिखा देता हूं। ये देख लीजिए, सबसे पहले तो आपका ड्रिल यहाँ पे आके रुक जाएगा जॉब के सामने। यहाँ पे आने के बाद पहले वो मशीनिंग करता अंदर जाएगा। समझ लो यहाँ पे मैंने 20 mm उसको पहले अंदर ढकेल दिया, तो यहाँ पे ब्लॉक हो जाएगा G01Z-20 feed, कुछ मैंने 0.1 दे दिया। तो इस ब्लॉक से टूल क्या करेगा, इस ब्लॉक से आगे आ जाएगा, यहाँ तक 20 mm तक आगे आएगा।
अभी 20 mm आगे आने के बाद मुझे क्या करना है कि इस ड्रिल को पीछे लेना है, यानी कि ये तो मेरा मटेरियल अभी निकल गया यहां से जॉब से, ठीक है। अभी इसको मुझे क्या करना है, पीछे लेना है ये पॉइंट पे वापस। तो यहां पे मैं डाल दूंगा G00Z5.0। अभी इस ब्लॉक से टूल क्या करेगा कि यहां से वापस आ जाएगा, ये जो ड्रिल है आपका वो बाहर आ जाएगा, कहां पे, जॉब के भी 5 mm पीछे बाहर आ जाएगा। ओके, बाहर आने के बाद यहां पे आपको क्या करना है, उसको एक थोड़ी समय के लिए रोकना है। क्यों रोकना है, क्योंकि ड्रिल ने अभी कटिंग करके वापस आया है तो थोड़ा वो गर्म हो गया होगा, उसको थोड़ा ठंडा करना है और वहां के जो चिप्स है वो नीचे गिरना है, वापस उसको अंदर जाना है। अगर झट से बाहर आ गया और झट से अंदर गया तो चिप्स भी रिमूव नहीं होगा और ड्रिल भी ठंडा नहीं होगा। तो आप क्या कर सकोगे कि वहां पे रुकवाओगे उसको। तो कैसे रोकना है मैं दिखाता हूं। G04 उसके सामने आप X2 या P2 कोई भी इस्तेमाल कर सकते हो, या सीमेंस है तो F4S भी इस्तेमाल कर सकते हो। मैं यहाँ पे X दिखा रहा हूं, समझ लो मुझे 3 सेकंड के लिए रुकना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूं G04X3.0। तो टूल क्या करेगा, वापस आने के बाद यहाँ पे 3 सेकंड के लिए रुक जाएगा। 3 सेकंड जैसे ही खत्म हो गए वापस टूल अंदर आना चाहिए, तो उसके लिए क्या कीजिए, वापस G00Z- रैपिडली टूल अंदर लेना है हमें। कहां पे लेना है, जहां तक हमने जॉब कटिंग किया है उससे 1 mm पीछे। तो हम क्या करेंगे, यहां पे 19 डाल देंगे, यहां पे हम क्या करेंगे G00Z-19 डाल देंगे, क्योंकि 20 तक तो हमने पहले ही कटिंग करके रखा हुआ है, तो 19 डाल देंगे तो वहां पे टूल आराम से जा सकता है, रैपिडली जा सकता है। तो आगे जाना है वापस, अभी यह हमारा टूल यहां पे आ गया, अभी वापस 20 mm आगे जाएंगे यहां तक, यानी कि ये एरिया जो है, ये एरिया क्या होने वाला है, यहां पे कट होने वाला है। तो उसके लिए ब्लॉक होगा G01Z-40.1। टूल क्या करेगा, आगे 20 mm चला जाएगा, 40 को पहुंच जाएगा, ये देख लीजिए इस तरीके से यहां तक टूल तुम्हारा आ जाएगा। अभी इस ड्रिल को वापस लेना है हमें, बाहर लेना है, क्या करना है, G00Z5.0। क्या हो जाएगा, ड्रिल आपका इसमें से बाहर निकल आएगा, जॉब के भी 5 mm पीछे इस पॉइंट पे आके रुक जाएगा। अभी वापस मुझे ड्रिल अंदर लेना है, लेकिन उससे पहले मुझे यहाँ पे रुकवाना है। तो वापस मैं G04 देता हूं और यहाँ पे मैं P का इस्तेमाल करता हूं, मैंने X का भी कर दिया, अभी P देता हूं। समझ लो 3 सेकंड रुकवाना है, मैं क्या कर सकता हूं, P 3000, ठीक है। तो टूल क्या करेगा, बाहर आने के बाद वापस 1, 2, 3 सेकंड रुकेगा। वापस मुझे टूल अंदर लेना है G00Z-। अभी कहां तक लेना है मुझे, 40 mm तक मैंने कटिंग किया हुआ है, तो उससे 1 mm मुझे पीछे लेना है, ठीक है, यहां तक लेना है। तो मैं यहां पे डाल दूंगा 39, ओके, और वापस हमारा प्रोग्राम आगे चला जाएगा। तो इस तरीके से आप क्या करोगे, G04 का इस्तेमाल करोगे। अभी ये जो मैंने एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये फानुक कंट्रोल का एग्जाम्पल है, तो इसमें मैंने क्या कर दिया कि X का भी इस्तेमाल कर दिया और P का भी इस्तेमाल कर दिया। समझ लो यही प्रोग्राम आपको सीमेंस में करना है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे जो एंड ऑफ ब्लॉक है वो चेंज करोगे, वो अपने आप चेंज हो जाएगा, कंट्रोल अलग है तो होता ही है वो, उसमें कुछ ज्यादा दिक्कत नहीं है। यहाँ पे LF आ जाएगा, ये एंड ऑफ ब्लॉक जो है वो सीमेंस कंट्रोल का एंड ऑफ ब्लॉक है। इसके बारे में मैंने चैप्टर नंबर 14 में बोल दिया है, आपको बता दिया है, ठीक है। और चेंज क्या करना है, यहाँ पे X और P इसे निकालना है। X के बदले आप F इस्तेमाल कर सकते हो, मैं F से टाइमिंग दे सकता हूं, मुझे 3 सेकंड देना है तो F3.0 ऐसे डाल दूंगा। और अगर स्पिंडल के राउंड में देना है तो मैं यहाँ पे S50 डाल दूंगा। तो टूल क्या करेगा कि टूल बाहर आने के बाद स्पिंडल काउंट करेगा 50 राउंड, 50 राउंड होने के लिए समझ लो उसको 10 सेकंड लगता है, तो वहां पे टूल क्या करने वाला है, 10 सेकंड के लिए रुकने वाला है, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप दे सकते हो, इस तरीके से भी आप दे सकते हो, ठीक है। अभी इसमें एक दिक्कत होती है, एक दिक्कत क्या होती है, समझ लो गलती से आपने यहाँ पे G04 की वजह से, G04 की वजह पे
G00 डाल दिया, तो इस F का मतलब हो जाता है फीड, ये ध्यान में रखिए। यानी कि एक ही लेटर दो जगह पे आप इस्तेमाल करते हो, एक लेटर G01, G02, G03 इसके लिए, अगर आप F का इस्तेमाल करते हो तो फीड के लिए है, और अगर G04 के लिए F का इस्तेमाल करते हो तो किसके लिए, सेकंड के लिए। ये ध्यान में रखिए, ये थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला है। G01, 02 और 03 में आप जब F का इस्तेमाल करते हो, F लेटर का, तो किसके लिए इस्तेमाल होता है, फीड के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे यहाँ पे मैंने फीड दे दिया है, देखो G01 को, ठीक है, तो वही F लेटर अगर हम यहाँ पे G04 के सामने इस्तेमाल करते तो उसी F का मतलब यहाँ पे हो जाता है सेकंड। ठीक है, ये ध्यान में रख लीजिए कि गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप G04 का इस्तेमाल कर सकते हो, किसके लिए, तो टूल को रुकवाने के लिए, तो जॉब के अंदर रुकवाना हो या जॉब के बाहर रुकवाना हो। ये मैंने एक ही एग्जांपल दिया हुआ है, अलग अलग टाइप पे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। आप बोरिंग कर रहे हो, किसी डेप्थ में वाइब्रेशन आ रहा है, उस वहां पे टूल को रुकवाना है तो भी आप G04 का इस्तेमाल कर सकते हो, या कोई रिमिंग ऑपरेशन हो, या कोई दूसरा कोई भी ऑपरेशन, या डेप्थ का फिनिश करना है, या ग्रूविंग करना है, तो ग्रूविंग में भी आपको दिक्कत आ रही है, टूल को वहां पे रुकवाना है, तो आप क्या कर सकते हो, G04 का इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे कि ये एग्जांपल मैंने दे दिया है, उसी तरीके से आप वहां पे ब्लॉक डाल दीजिए, वहां पे टूल रुक जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूं कि आपको G04 के बारे में समझ में आ गया होगा। तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और शेयर करना मत भूलिए। जितना आप ज्यादा शेयर करोगे उतना सभी CNC ऑपरेटर के पास ये पहुंच जाएगा, सभी अच्छे से सीख पाएंगे, तो उनकी गलतियां कम हो जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।